मस्जिद के मीनारों को आपने देखा होगा। मीनार तो मीनार है, वो एकदम स्थिर होता है। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर शायद आपको झटका लगेगा। आज हम आपको ऐसे मीनार के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप हिलने लगता है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक मस्जिद के ऐसे मीनार जो अपने आप झूलने लगते हैं। अहमदाबाद में स्थित सीदी बशीर मस्जिद को झूलती मीनार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ किसी भी एक मीनार को हिलाने पर दूसरे वाली मीनार अपने आप कुछ देर पर हिलने लगती है। इसीलिए मस्जिद की मीनारों को झूलती मीनारें भी कहा जाता है। अब यह अजूबा इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट की दुनिया को अचंभे में डाल देने के लिए काफी है, क्योंकि झूलती मीनारें आज भी रहस्य बनी हुई हैं। इस रहस्य से आज तक कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया है। इस मीनारों के बारे में इंजीनियर्स अलग अलग राय देते हैं, लेकिन वे इस आर्किटेक्ट का असली रहस्य आज तक नहीं समझ सके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटेनी शासन काल में इस रहस्य को समझने के लिए ब्रिटेन से इंजीनियर्स बुलाए गए थे। मीनारों के आसपास खुदाई भी की गई थी, लेकिन सारी कोशिशें बेकार रही। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अनेकों बार भूकंप के झटकों से यहां की जमीन तो हिली, लेकिन ये मीनारें जस की तस खड़ी रहीं। आपको बता दें कि इस मस्जिद का निर्माण सारंग ने कराया था, जिसने सारंगपुर की भी स्थापना की थी। इसका निर्माण साल 1461 से 1464 के बीच कराया गया था। उस समय सीदी बशीर इस प्रोजेक्ट के पर्यवेक्षक थे और उनकी मृत्यु के बाद इसी मस्जिद के नजदीक उनको दफनाया भी गया, जिसके कारण इस मस्जिद का नाम सीदी बशीर के नाम पर पड़ गया। इन मीनारों के हिलने का कारण खोजने की कई बार कोशिश की गई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये मीनारें अनजाने में ही झूलने वाली बन गई, जिसे आगे चलकर प्रमाणित भी किया गया। वहीं एक शोध के निकले निष्कर्ष में पाया गया कि ये मीनारें लचकदार पत्थरों से बनाई गई हैं। वहीं ये मीनारें सिलेंडर के आकार की बनी हैं, जो इनको हिलने में मदद करती हैं। अब वाकई ये जानकर हैरानी तो होती है कि किसी भी मस्जिद की मीनारें अपने आप ही झूलने लगती हैं, लेकिन ये सच है।